दोस्तों, नया दिन और एक नई सुबह के साथ हम हैं। इस टाइम ये पड़ता है बनिहाल से पहले शायद पटनी टॉप, उससे भी 2-4 किलोमीटर पहले हैं। यहाँ हमने नाइट स्टे किया था इस होटल में और इस टाइम सुबह के हो रहे हैं 6:30 और हम निकल रहे हैं यहाँ से गुलमार्ग शोलमार्ग के लिए। इंशाल्लाह 2 या 2:30 तक हम इसको कवर कर लेंगे, हो सका तो इससे पहले ही कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक हमारे साथ वाला दोस्त ऐसा है कि वो अभी तक रेडी नहीं हुआ है। वो टाइम से कह रहे हैं उससे, भाई रेडी होने तो वो रेडी होने का नाम ही नहीं ले रहा है। और फिर इसके ऊपर सूर्य धूप इतनी तेज की है, ये देखिए आप, बहुत गाड़ी वाली धूप पड़ रही है, पता नहीं चल रहा है कैसा सीन है। दोस्तों, नमाज फजर कज़ा और नमाज सफर पढ़ने के बाद एक वो निकलने की कोशिश कर रहे हैं भागे के लिए। बहुत प्यारी सी मस्जिद है, एक छोटी सी रास्ते में पड़ी थी, हमें सोचा कि चलो यहाँ पर नमाज़ी अदा कर ली जाए। और इस टाइम पे यहाँ पे 7 बजे हैं, ये जिसकी वजह से हम बार बार लेट होकर चले जा रहे हैं। ये हमारा काला ऑन वेट कर रहा है, ये काफ़ी सोच रहे हैं गाड़ी को हमारे साथ साथ से ही सुबह से, लेकिन क्या करें, बस काम ही इतना है। घंटे से फसे हुए हैं दोस्तों, शादी भी चल के नहीं दे रहा है कुछ, इतनी डस्ट हो चुकी है रोड पे, इतनी डस्ट है कि कुछ कुछ मत बोलो। आधे घंटे से इतना फसे हुए हैं। ये इस टाइम बनिहाल से निकले हैं हम श्रीनगर हाईवे पर, ये काजी घाट और सीधा श्रीनगर जाता है, सोनमार्ग गुलमार्ग वगैरह, बाकी में कुछ हाईवे उन्होंने बनाया ही है यहाँ की गवर्नमेंट ने। बाकी अभी तक तो बनिहाल तक आने आने में ही बहुत टाइम लग गया, इतना जाम था कि शायद 4 घंटे में हमने ट्रैफिक क्लियर हुआ। Oh, shoot.
सामने से जाम आते ही भैया ला रहा है चलता लाइन में चलता रहा रोल मत तोड़े यहाँ परेशान कर रहे हैं यहाँ का गुलमार्ग है भाई यहाँ से 126 बारामुल्ला है 110 उरी है 1.50 और श्रीनगर जाइए 70 किलोमीटर यहाँ से स्प्लेंडर मिलेंगे तो यहाँ चलते हुए अनंतनाग पार कर पुलवामा से निकल चुके हैं और यहाँ पर सारी स्पोर्ट्स के जो बैट्स मिलते हैं सब उनकी शॉप से ज़्यादातर ये देखो ज़्यादातर यहाँ पे स्पोर्ट्स का मिलता है बैट मिलते हैं भाई। दोस्तों पहुँचने वाले हैं श्रीनगर इंशाल्लाह 5 मिनट के अंदर अंदर ये श्रीनगर है 18 पंपोर है 4 ले 440। सो फाइनली हम आ गए थे श्रीनगर डल लेक और यहाँ पर सौदा चल रहा है बहुत सस्ता बात है बार्गेनिंग होती है यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डल लेक पर कोई कुछ मांग रहा है कुछ मांग रहा है अदर पॉइंट्स है ये अंकल बैठे हैं तो थोड़ा मालूम किया बोले कि क्या लेना चाहिए अंकल कह रहे बस अपने हिसाब से बार्गेनिंग करें जो आपको बेहतर लगे बस और कुछ नहीं है शायद 7 पॉइंट होते हैं इसमें कोई लेकिन अंकल की समझ में नहीं आ रही क्या करे बात समझ नहीं आ रही क्या बोलने से ही मशक्कत के बाद इन अंकल का हमारा सौदा पड़ गया हो गई बार्गेनिंग 600 रुपए में 2 घंटे ये हमें तकरीबन 5 से 6 पॉइंट घुमाएंगे लेक में इनसे हो गया अंकल सौदा हो गया अच्छा शुक्रिया अंकल। ये डल लेक माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत है कुछ व्यू है ही यहाँ का माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाह भाई माशाल्लाह। अरे आजा भाई शहरयार आजा तो फाइनली हमारी बोट तैयार हो गई है ये हमारी बोट दिखा देता हूँ आपको माशाल्लाह काफी खूबसूरत है अब कहीं 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 कश्मीर की और कश्मीर फोन में रात में ऐसे ही है मेरी तेरे को रही तो मेरे ऐसे ऐसे हो रही बुरा सही बैठा यार पीछे को राजा बन के हेलो फोन लग रहा है यार पानी में आज चाय लग रही है हम भी ये कर रहे हैं ले भाई ना मानते तो अंकल ये कितनी कह रही है ये तो यहां 10 बार हम फुटे आगे ज्यादा आगे ज्यादा है। आप कब से चला रहे हैं इसको? हम इसको हो गया 20-30 साल चलाते 20-30 साल स्पीड इसकी इतनी रहती है जितनी स्पीड इतनी रहेगी बस इससे ज्यादा नहीं। तो गाइस बहुत देर के बाद हमें एक बोल्ड मिली है इसमें हमने 600 रुपए किराए में क्या शेयर ज्यादा और कुछ नहीं है अरे हम ये कोई था ना वो ये तो कोटा कोटा ये देखिए फायदा मिला है ये भाई लोग नहा रहे हैं यहाँ पे अंग्रेज लग रहा है डल लेक में तैराकी चल रही भाई की डल लेक में है क्या नाम है भाई अपना श्रीनगर में भाई तो पीछे रह गया यार यहाँ से जो है ये शाहरुख भाई हमारे ये अंकल जी थक गए थे बहुत देर से तो शाहरुख भाई ने कहा मैं आप अंकल आपकी हेल्प करा देता हूँ तो शाहरुख भाई इस टाइम ये हमारी नाव चला रहे हैं
और ये काफी खूबसूरत लग रहे हैं माशाल्लाह। और ये श्रीनगर में है इस टाइम, कौन सा जगह है इसका, जगह का नाम क्या है? डल लेक। अच्छा, डल लेक तो सोल मार्केट, आप यहाँ से सोल्स खरीद सकते हैं। ओके, ये डल लेक में सोल मार्केट है, यहाँ पे काफी अच्छी सोल्स मिलती हैं। कई आदमी को मिले, कितने में? 3 करोड़। फिर आराम से रखो, इंडिया, इंडिया, यूपी, यूपी, कंट्री पूछ रहे तो इंडिया के। सारा दिन श्रीनगर डल लेक घूमने के बाद हमने फाइनली अब ये गुलमार्ग से शायद 10 किलोमीटर पहले है अल नईम होटल, ये लिया है। और आज की रात का स्टे यहीं होगा, इंशाल्लाह मुलाकात होती है कल के ब्लॉग में। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।